सेक्शन 27 फलन एफ एक्स बराबर है मॉडुलस एक्स माइनस दो प्लस दो गुणा मॉडुलस एक्स माइनस तीन की अंतराल, हमें एक अंतराल मिला है, क्लोज्ड इंटरवल है 1.3 में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो हम पहले मॉडुलस मुक्त करते हैं इसे, तो हमें किस किस में चेक करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक लेस देन एक्स लेस देन दो पर, इस स्थिति में क्या होगा कि ये भी ऋणात्मक होगा और ये भी ऋणात्मक होगा, अर्थात मान क्या होगा माइनस एक्स माइनस दो, ये ऋणात्मक हो गया, माइनस का ये भी होगा तो माइनस दो एक्स माइनस तीन, इस प्रकार से फलन परिभाषित होगा। अब हम देखते हैं जबकि x 2 से बड़ा है या बराबर है परंतु 3 से छोटा है, इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में ये तो धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक होगा, तो x माइनस दो ये तो हमारा धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक ही रहा माइनस दो एक्स माइनस तीन, ये फलन का मान होगा। अब तीसरी स्थिति देखें जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू तीन है, तो उस स्थिति में यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, अर्थात मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा x माइनस दो, इसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस दो गुणा एक्स माइनस तीन, इस प्रकार से यह फलन परिभाषित है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके यहां लिखते हैं, तो एफ एक्स बराबर हो गया, पहली स्थिति देखें माइनस एक्स प्लस दो माइनस दो एक्स प्लस छ, अर्थात मान कितना हो गया, इस स्थिति में मान कितना हो गया, इस स्थिति में मान हो गया आठ माइनस तीन एक्स, यहां लिख लें आठ माइनस तीन एक्स, जबकि एक लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन दो, इस प्रकार से परिभाषित है। अब दूसरा देखें, इस स्थिति को कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस दो माइनस दो एक्स प्लस छ ऐसा आता है, तो यहां क्या हो गया माइनस का तो x हो गया और प्लस का चार हो गया, तो माइनस का x प्लस का चार, ये स्थिति है दो लेस देन इक्वल टू x लेस देन तीन, ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखें x ग्रेटर देन तीन पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीन पर, तो x माइनस दो प्लस दो एक्स माइनस छ ऐसा आता है, मान कितना हो गया तीन एक्स माइनस आठ, तो तीन एक्स माइनस आठ है जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू तीन है, ये हमारा फलन की परिभाषा हो गई, हमने इसे जो मॉडुलस है उससे मुक्त कर दिया। अब हम यहां से तो इसको मिटा देते हैं और अब हम इसका अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं x बराबर दो पर जो कि इस अंतराल में है। अब अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए हम बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालते हैं, तो बायां अवकलज होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर दो पर हम अवकलनीयता का परीक्षण कर रहे हैं तो f डैश दो माइनस जीरो और ये बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो f दो माइनस एच माइनस f दो बटे माइनस h। इसी प्रकार जो दायां अवकलज है राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश जीरो एफ डैश दो प्लस जीरो ये बराबर हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ दो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच। एफ दो का मान हम निकाल लेते हैं यहां से, तो एफ दो का मान यहां लिख लेते हैं क्योंकि इसका हमें यहां पर भी प्रयोग करना है और यहां भी एफ दो यहां पर भी प्रयोग करना है, तो
तो ये मान कितना हो जाएगा, जब x का मान यहां पर 2 रखते हैं तो 2 रखने से कितना हो जाएगा, -2 + 4 अर्थात मान आ जाएगा 2। तो f2 का मान यहां कितना है, f2 का मान 2 के बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मान कितना हो गया, f2 माइनस h, अर्थात जब 2 से छोटा है तो फलन इस प्रकार परिभाषित है, 8 - 3x, x के स्थान पर मुझे 2 माइनस h लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 - 3 × 2 - h, इस प्रकार से हो गया माइनस f2 जो कि 2 है, तो -2/-h ये मिला। कैलकुलेट किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 - 6 + 3h -2/-h, 8 ये और 6 और 2 8 कैंसिल हो गए, मान कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h/-h, h से h भी कैंसिल हो गया, अर्थात मान आ गया -3। तो बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -3 के बराबर है। अब दायां अवकलज देखें तो इस स्थिति में क्या है, 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए हमें यह फलन का यह वाला मान लेना है, x के स्थान पर मुझे 2+h लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2+h + 4, x के स्थान पर यहां मैंने क्या लिख दिया, 2+h -f2 हमारा कितना है, 2/h, इस प्रकार से प्राप्त किया, बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 - h + 4 - 2/h, 4 प्लस का यह है और माइनस के 2 और माइनस के 2 ये माइनस के 4 हो गए, कैंसिल हो गया, -h/h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/h, h से h कैंसिल हो गया, -1। तो बायां अवकलज तो हमें मिलता है -3, दायां अवकलज हमें मिला है -1, इसलिए ये फलन जो दिया गया है ये x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अर्थात इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, इसलिए f डैश 2 - 0 बराबर नहीं है f डैश 2+0 के, इसलिए x बराबर 2 पर fx अवकलनीय नहीं है, अर्थात इस अंतराल में यह दिया गया फलन अवकलनीय